हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अब टाइम हुआ है सुबह के 6:30। आज मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज मुझे कुछ काम है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो फ्रेश होने के बाद अब चलते हैं सीधा मंदिर। तो फाइनली अब आ चुके हैं मंदिर में। तो आ चुके हैं मंदिर से वापस घर और अब करते हैं सीधा ब्रेकफास्ट। तो गाइस, रेडी होने के बाद अब चलते हैं मोहाना। और कुछ इस तरह की धूप है आज, धूप काफी तेज है आज, गर्मी लग रही है थोड़ी। तो मैंने अभी ये चेंज नहीं किया है, आज मैं ऐसे ही पहनूंगा। तो मैं भी जा ही रहा था कि इस भुल्लन भाई ने मुझे भी बुलाया थोड़ा। हाँ, तो क्या काम था बताओ? जा रहे हो? नहीं, वहाँ मामा ने जाना है मुझे आज। किस काम से? बस थोड़ा काम था, कुछ कागज वगैरह लेकर आने। डॉक्यूमेंट काम है यार। अच्छा, कब तक आओगे फिर? वही लग जाएगा लगभग 2-2.5 घंटे। साथ में आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में। साथ में कौन जा रहा है आपको? साथ में मेरा फ्रेंड अभय, वही लोग में जो मिलता है आपको जोड़ी। या माई बेस्ट फ्रेंड मिस्टर अभय। अच्छा, तो चलते हैं अभय के पास। अब घुमाने के लिए अब मिलते हैं अभय के पास, देखते हैं अभय तैयार है या नहीं। तो भाई, जब हम कर रहे हैं अभय का वेट, लगभग आधा घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं आया है। और लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद अब आ रहा है अभय, देखिए सामने। और आज कपड़े चेंज कर दिए हैं इसने, लगता है सीधे यही बात बोलेगा ये आकर। मैं कहाँ रहेगा? तो फाइनली अब चल दिए हम मामाना। क्या तो भैया का लड़का था ये पीछे बैठा? अच्छा, पीछे वाला जो है। देखिए आज काफी शांति सड़क पर, इधर गन्नों से भरा ट्रक। एक बार फिर सरसों का एक खेत, अच्छे लग रहे हैं। फाइनली अब चलते हैं पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल डलवाकर फिर सीधे चलेंगे मोहाना। और आ गए हम पेट्रोल पंप पर, 60 रुपये का शॉर्ट कट डलवाएंगे। कहाँ जा रहा है वो देख, अब पेट्रोल पंप आ रहे हैं। मैं कर दिया 60 का। पहले तेल डलवा चुके हैं और अब चलते हैं सीधा मोहाना। या और कुछ काम है अभी?
अब कुछ काम नहीं है, अब चल रहे हैं सीधा मोहाना। ओ माय गॉड, इस बार हेलमेट भूल चुके हैं, हेलमेट बहुत कंपलसरी है। चल कोई नहीं, नेक्स्ट बार ध्यान देंगे। और चलते हैं मोहाना, यहाँ से मोहाना है लगभग 13 किलोमीटर। काम पूरा होने के बाद अब चल रहे हम तहसील से वापस। काम पूरा हुआ ही था यार, जिसके लिए आए थे वो तो मिला ही ना, उसका पटवारी का बाबा मर गया। काम पूरा भी हुआ नहीं भी, एक तो हो चुका है, एफिडेविट तो बन चुके हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा काम था वो नहीं हो पाया, क्योंकि आज पटवारी के पास आए थे तो पटवारी के जो ताऊ जी हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि कल आना। तो अब देखते हैं कल आएंगे या नहीं। कल आएगा फिर? कल संडे है। अरे कल संडे है, संडे ही आना पड़ेगा आपको, और सैटरडे था। वो अपनी छोटी सिस्टर के पास ये रही। और मेरा भांजा वो बैठा रवि, पर नाराज है मेरे से, शायद नाराज है मेरे से, कह रहा है कि मामा तुम बहुत दिन में आए हो। रवि रवि मतलब छोटी सिस्टर है नोनी की, मेरे से है, मेरे से तो बड़ी है। आज के बोले रवि का पराठा, रवि ने अपना पराठा भी छोड़ दिया, पता नहीं क्यों, शर्मत तब होता है उधर। चलो कोई नहीं, चल तो ठीक है रवि, बाय करना, बाय बाय करे, बाय 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 कर रहा है भाई लड़का, लड़का बाय कर रहा है। चिंटू खुश, चलते हैं अपने घर पे वापस घर। और यहाँ से है किठोड़ 26 परीक्षितगढ़ 12, तो हमें जाना है परीक्षितगढ़। चिमनी, चिमनी से धुआं निकलता हुआ, दूसरी साइड कैसा आ गए इधर का बना हुआ हो तब की इधर का सुन मुझे लगा ये इधर का बना। चिमनी से धुआं निकलता हुआ तो कितना स्पेस निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बादलों आ गए हो, बादल निकल रहे हो फूट फूट के। नहीं क्या दिक्कत है भाई? तो इसका हुआ है पिलक खराब, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मिस्त्री है भाई छोटो, तो मिस्त्री है ही है भाई, सीख रहा है। तब तुझे क्या दिक्कत लगी इसमें अबे, कुछ तो पता होगा तुझे, बता है? तो भाई साहब अभी हार्ले का मैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, अभी देखने से पता चलेगी। वैसे तो इसका प्लग खराब बता रहा है ये भाई, चलो देखते हैं बाकी। भाई आए हैं, इनका नाम है मयूर और ये है निक्की। कहाँ जा रहे हो भाई? दवाई लेने जा रहे हैं। ये दवाई लेने जा रहे हैं। तो गाइस अब चलते हैं सीधा अभे के पास और आपको दिखाएंगे अभे का घर जो अभी तैयार चल हो रहा है, ये नए वाला।
लगभग नीचे का काम तो पूरा हो चुका है, अब ऊपर चलते देखते हैं कि अभी है या नहीं यहाँ पर। और यहाँ भी काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, ये देखे लैंटर खुलना बाकी है, अब देखते हैं ऊपर अब है या नहीं। और ये देखे फाइनली अभी यहीं खड़ा, और ये साथ में है मिस्टर अंकित त्यागी। और इस तरह का व्यू है थोड़ा गांव का, अगर आप ऊपर से देखोगे यहाँ पे, यहाँ तो वाकई में भाई और ये आपको बैक साइड में थोड़ी आवाज सुनाई दे रही होगी, ये गांव को सामने, और ये है मिस्टर अंकित। कैमरामैन से कहूंगा कि उधर कैमरा थोड़ा ही थोड़ा सा, आप देखो ऊपर से चार पैडियों के बाद सीढ़ी लगी हुई है, बड़ा देर अजीब नज़ारा है हमारे गांव का। चार पैडी के बाद बाकी चार सीढ़ियाँ, देखो कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, जैसे इनका हाथ चलता है अंदर इनका मुंह घूमता है। देखो ये सामने देखना चाहेंगे आप, काफी खुश ये अपनी जिंदगी में, पेचे हो चुके हैं। और देखिए छतों पर भैंस बंधी हुई, और ये देखिए अभय, और इस टाइम काफी अच्छी मुस्कुराहट इनके चेहरे पे, और इधर अंकित भी चुपचाप थोड़ा अस्त होता हुआ तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।